cause I don't give a fuck what you ज्यादा चढ़ाई नहीं बट रास्ता खराब था थोड़ा Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm. Baba ji, phal milega kela. Baba ji, kela, kela. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Like, share and subscribe करें. हम सोच रहे कितना आगे अभी पैदल चल रहा है इतने में आपके साथ हूँ और मैं और अभी थोड़ा और आगे जाना है कितना आगे देखते हैं और पानी की बोतल भी आज नहीं लाया हम लोग यहाँ पे और गला बिल्कुल सूख गया हमारा यार अभी कहीं ना कहीं वहाँ पे मंदिर में जाके पानी की व्यवस्था होती है नहीं होती है देखते हैं पेड़ दिख गया आराम से लगे हैं और शानू भाई लपक गए इनमें खा सकते हैं हाँ हाँ खाओ खाओ अभी ये कच्चे भी हैं देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े है ना स्वाद आपको ये पौधे मतलब ये फ्रूट्स मिल जाएं तो खा लिया और इसी से प्यास बुझ सकती है आप लोगों की कुछ ना कुछ खाते हुए चले और एक और छोटा पेड़ दिखा मुझे वहाँ पे हैं हाँ कच्चा भी खा सकते हैं खट्टा लगेगा तो जूस बनेगा हाँ उससे मुंह में ये देखिए एक और है बट यहाँ नीचे है भैया ये यहाँ पे लाल आ जाओ अरे बाप रे बाप ये देखिए खट्टे हैं वो अच्छे हो रहे हैं इंगला देवी जाना है पेड़ में चिपक गए क्योंकि प्यास से बिल्कुल गला सूख गया हमारा तो यार भैया लोग आगे काफल तोड़ने लगे मुझसे कह रहे थे तो गाड़ी लेके आगे को आ चलो अब मैं चलता हूँ आगे वो काफल के पेड़ों में चिपक गए हैं बिल्कुल ही देवी यहाँ पे गाड़ी भी आई है, है? एक गाड़ी पहले से है यहाँ पे और यहाँ पे आई है वाव अब आएगा मजा और ये रहा फ्रंट गेट यहाँ का और यहाँ से कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी अब ये तो सांस फूलेगी अब चलो चलो अब मंदिर का पहला गेट अभी कितनी दूर है कोई आइडिया नहीं है इसका यहाँ पे लेकिन फिर भी एक हमसे पहले कोई गाड़ी आई हुई है उम्मीद करते हैं पानी या खाने का कुछ लाए होंगे तो हमें भी खाने को मिल जाएगा अच्छा काफी चढ़ाई है मुझे लग रहा है अब कितनी दूर है ये देखते हैं चलिए चलिए हैप्पी बर्थडे आ जाओ चढ़ाई ज्यादा है अभी हैप्पी बर्थडे वही निकलेगा सब बोतल एक मैंने पकड़ लिया शानू बोतल छोड़ के आ गया क्या पता पानी मिल जाए यार वहां पे हमको बहुत प्यास लग गई यार थोड़ा सा पानी बचा है पता नहीं कब का है ये पानी गाड़ी के वाइपर के लिए पानी अभी था। हमारे शरीर के वाइपर के लिए काम करेंगे इससे हमारी क्या लगता है आपको कितना होगा ये शानू जी है? कितना होगा ये जैसे पीछे से देख सकते हो आप लोग मेरे ये वैसा ही मंदिर है जैसा चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान लेके आया था दीपिका पादुकोण को गोद में बस हमारे पास बट हमारे पास कोई दीपिका पादुकोण नहीं है तो हम अकेले आए हैं दीपिका पादुकोण शानू अगर बन गए तो भैया समझो यहाँ पे ना उत्तराखंड में आपको शाहरुख खान मिलेंगे ना दीपिका पादुकोण मिलेगी तो ये रिवाज यहाँ पे फॉलो नहीं होता पर आपको सल्लू मियां तो मिल ही जाएगा ना फिर मुझे दिखने लग गया पास ही में आ गया हिंगला देवी का मंदिर है क्या चढ़ाई भी आहो अब ये सही है ये प्लेन वाला है ये चढ़ाई में ज्यादा मुश्किल होता पर ये प्लेन वाली जो है इसमें सीढ़ियां नहीं है ऊपर है यार अभी और जंगल के बीच में ये भी बसा हुआ है मंदिर उत्तराखंड की यही तो हमारी खासियत है कि हरियालियों के बीच में ये मंदिर बसा रहता है नेचर का और भगवान के दोनों के दर्शन साथ साथ होते हैं यहाँ पे उत्तराखंड आके ये पत्ती ऐसी आंख से ऐसी आंख कर सकती है तो ये पत्ती अभी हम आपके इसके बारे में आज बताएंगे चलो आगे उतारे तो आगे उतार लेंगे चप्पल उप्पल यहाँ भी उतार सकते हैं आप लोग और आगे भी उतार सकते हैं आ ही गया मंदिर लगभग ज्यादा चढ़ाई नहीं बट रास्ता खराब था थोड़ा यहाँ के नोटिस पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हो इंस्ट्रक्शन वगैरह कि कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो
तो मैं कैमरा अंदर आपको दिखा सकता हूँ पूरा मंदिर। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये मंदिर हिंगला देवी का मंदिर है। ये की आंखें दिख रही हैं और बाकी मैया को पूरा चुनरी से यहाँ पे ढक रखा है। अब ये हम वहाँ बाबा जी से जानकारी लेंगे, जो बाबा जी हम यहाँ पे बैठे हैं कि कवर कर रखा है, ढक रखा है इनको। तो आगे मुझे झूला भी दिख रहा है, तो चलिए वहीं चलते हैं। आपको मालूम शानू भाई, दर्शन वर्शन करने के बाद हमें यहाँ पे झूला दिखा, जो बताते हैं मैया ये झूले से उस झूले में, वो कौन सा हिंगला देवी का, ये तो हिंगला देवी है, और वो कौन सा था वो वाले मंदिर में, वहां तक ये झूला झूलती थी मैया, वो उस टॉप में है। और वो जहाँ हम अभी रुके हुए हैं, जहाँ घर में रुके हुए हैं भाभी लोगों के, तो वहां से बता रहे थे वो बिल्कुल सामने सामने है बिल्कुल, तो वो ये झूले से उस झूले तक वहां तक झूलती थी। अभी तो ये ऐसे ही बना रखा है, कहते हैं अब बाबा जी बाकी यहां की जानकारी देंगे हमको थोड़ी बहुत, क्योंकि हम पहली बार आए हैं यहां पे। और ये भैरव देवता का नहीं, काली माता का मंदिर है पीछे हमारे। मूर्ति काली माता को देख के मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और मैया सबकी रक्षा करना, पूरे विश्व की रक्षा करना, मैया विराजमान है इस जंगल के बीच में बिल्कुल, माँ हिंगला देवी। अब देखिए सीधा सीधा लिखा है, मंदिर परिसर में बलि प्रथा प्रतिबंधित है, बलि प्रथा हेतु पुजारी को बाध्य ना करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत बढ़िया डिसीजन है कि बलि प्रथा ये जरूरी नहीं है। जय काली माता। और इसमें अभी हम भी झूलेंगे यार बैठ के, बड़ा डर लगता है मुझे यार इन झूलों से। तो आइए गाइस, अभी थोड़ी देर में ना, तो टीजर दिखा दो, धक्का दूं। चलो, टीजर। अरे बाप, और ये देखे मंदिर में भी मस्ती स्टार्ट, हिल नहीं रहा है। चलो, धक्का मारू। चलो, छोड़ो, क्या पता तुम्हारे बैठने के लिए नहीं हो, मैया बैठती हूँ यार इसमें। उठो यार, आओ यार, चलिए अब चलते हैं बाबा जी के पास। भैरव जी मान लिया तो भैरव जी का विधि विधान करोगे ना उस पत्थर में, और परिक्रमा कर लिया, परिक्रमा किया तो पूरा संसार का परिक्रमा हो गया। वही शिवलिंग में से तो एक पत्थर आपने लिए, और उसी का परिक्रमा हो गया तो पूरा संसार का परिक्रमा हो गया। बात को समझ में आ रहा है? तो अलग अलग प्रकार का कहानी जोड़ते गया ये नाटक चलते गया। क्या समझ में आ रहा है बात? सही बात। तो हमारा जो ज्योतिर्लिंग है, जो आठ वो शिवलिंग हुआ और जो एकांत शक्तिपीठ हुआ, वो तो सही है, उसके बाद कोई पीठ है ही नहीं, फिर कहाँ से आ गया पैदा? उसके बाद तो कोई पीठ हुआ नहीं ना। हाँ, माँ का 108 अवतार हुआ। माँ का अवतार कितना हुआ? 108 बार मैया अवतार लिया है, अवतार लेने के तभी तो वो 108 आने का माला बनता है। और वही शंकर भगवान ने 108 माले का वो मूल जो खोपड़ी है उसको पहना था ना शंकर भगवान, क्यों उसको इतना प्यार का था, मुंडी को संभाल के रखता था, उसी का माला बना लिया, उसी को पहनता था। अच्छा, ठीक है ना। तब वो 108 माले का माला बना, और एक गुरु हो गया, 109 दाना हो गया एक माले में, एक गुरु और एक 108 जो दाना हो गया वो मैया का रूप हो गया, 108 दाने का, और 108 वो मैया अवतार लिया जी। तो 108 वो पीठ हो गया जी। और एकाउंट शक्तिपीठ हो गया, उसके बाद कोई पीठ हुआ नहीं, फिर उसके बाद पीठ कहाँ से आ गया, पैदा कहाँ से हो गया भाई? फिर तुम कुछ भी चल दोगे देवी और देवता, उसमें सबसे पहले नरसिंह भगवान आते हैं, माता चंडी आती है, सफेद आती है।
बाबा जी फल मिलेगा केला, बाबा जी तो फलाहार करते हैं, बाबा जी केला केला मैं तो फल ही खाता हूं। नहीं नहीं बाबा जी क्यों लगा, बाबा जी वही खाते हैं। अच्छा अच्छा, हम तो कुछ लाए नहीं। ना ना बाबा जी, तो मैंने खा लिया तो वहां से केला तो पकेला केला तो एक केला बाबा जी ये सामने दो केले थे मेरा पकेला बाबा जी एक केला। दर्शन वर्शन हो गए, अब निकलते हैं। बाबा जी से कुछ जानकारी वानकारी ले ली। और ये झूला, ये झूले में तो रह गए, झूले में आ जाओ। ओ झूले लालन दमादम मस्त कलंदर। हम कौन से मंदिर आ जाए, भूल गया, हिंगला हिंगला देवी के मंदिर के हम लोगों के सबके दर्शन हो गए। और सानू भाई जो मैंने बाबा जी से केला मांगा था वो हमने खा लिया। हम तो प्रसाद लाए नहीं यार, पर नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि भगवान प्रसाद नहीं मांगता, प्रसादता मांगता है। और भैया घंटा बजाने को तैयार, भैया दोबारा आएंगे माता हम तेरे दरबार। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सफर की ओर, या घर जाते हैं। और हवा और छाव हमारे साथ साथ, क्या क्या इतने दिनों से वीडियो में आ रहा हूँ मैं, दूर दूर इलाकों तक जा रहा हूँ, मंदिर तक जा रहा हूँ। भैया ने नहीं नहीं भैया वजन घटाने के, भैया ने वजन नहीं घटा, भैया ने हमारी वीडियो में बहुत, भैया ने हमारी सब खाना खाने से पहले बताइए क्या क्या नूडल्स। भैया 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 ने हमारी वीडियो में काफी हेल्प करी है यार, हम अगर भैया नहीं होते तो हम नहीं जा पाते, हम नहीं जा पाते। और यार इतनी दूर दूर आए हम लोग, भैया थैंक यू कहना चाहेंगे यार आपसे, आपसे तहे दिल से थैंक यू। थैंक यू भैया, लव यू भैया। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things. यार हम लोग के दर्शन हो गए हिंगला देवी मंदिर के। और ये हम लोग का शायद लास्ट जो ट्रिप थी वो थी आज, ये मंदिर आए थे हिंगला देवी के। तो अगर यार आप लोगों को मेरी हल्की सी भी वीडियो ये वाली पसंद आए तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बाय बाय।